नमस्कार, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है सर, मेरे पास अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयर है 123, किस भाव पे? 2232 रुपए के भाव से सर। तो राहुल जी, आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया था, शॉर्ट टर्म के लिए? नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए ले रखा है सर। तो अब ये स्टॉक ऑलरेडी वहां से आधा हो चुका है, तो अब आप क्या सोच रहे हैं इसमें? और पोजीशन लेने की सोच रहे हैं, वेट करने की सोच रहे हैं, क्या करने की सोच रहे हैं? आपने क्या सोचा है? वही मैं लेना चाह रहा था सर। और एवरेज करें इसको या होल्ड करें, क्या करें सर? रवि सर, अदानी ग्रीन करीब करीब 2232 रुपए के दाम पर इनकी खरीदारी है, 1190 आ चुका है पूरे फियास्को में, और डिस्पाइट ये शेयर आधा हुआ है लेकिन अभी भी 350 के मल्टीपल पे काम काज कर रहा है। क्या राय रखते हैं आप? देखिए सुमित जी, जिस हिसाब से इस समय अभी न्यूज चल रही है, इम्पैक्ट चल रहा है और अभी फ्रीज के साथ यहाँ पे बंद हुआ, तो मैं समझता हूँ कि अभी थोड़े से सेंटिमेंट यहाँ पर और एक स्टॉक एक बार 1050 और 1020 तक का लेवल दिखा सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर यही है कि अगर इनके उस पे है कि नहीं ये कंटिन्यू कर सकते हैं इस स्टॉक को और इतना रिस्क ले सकते हैं, तो मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए, नहीं तो आप यहाँ से अपनी पोजीशन को एक बार को एग्जिट करके दूसरे स्टॉक की तरफ जा सकते हैं। और अगर दूसरा स्टॉक चूज कर रहे हो तो मुझे लगता है कि कोल इंडिया आपके लिए बेहतर स्टॉक होगा, उसमें आप एक बार को निवेश की रणनीति बना सकते हैं। तो एक विकल्प आपके सामने है कोल इंडिया, अगर आप तलाश रहे हैं तो, और अदानी केस में अगर आप बने रह सकते हैं तो ज्यादा बेहतर रणनीति, क्योंकि आपको ऑलरेडी बहुत लॉस हो रहा है, तो कोई भी तेजी मिले उसके बाद आप कोई कॉल लें ज्यादा।